हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ NCERT कक्षा 5 की, और हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ। हमारा चैप्टर है 7, तो हमारे चैप्टर का नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट्स होंगे। आपका पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको सारे वीडियोस जो हैं इस चैप्टर के वो देखने पड़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 7, जिसका नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। आइए देखते हैं कि ये लड़कियां आपस में क्या बात कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है कहती है, ईसा तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। तो ये ईसा है। ईसा कहती है मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। तो किस पैटर्न की बात हो रही है? इसकी स्कर्ट पे ये जो डिज़ाइन बनी है इसी को इन्होंने पैटर्न कहा है। फिर ये लड़की कहती है मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से एक अलग पैटर्न देखा है। तो वो कहती है वो कैसे अलग था, तो आइए आपको बताते हैं। तो ये जो पैटर्न बना है वो बना है इसकी स्कर्ट में, ठीक है। अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक बार ब्लॉक जो है ऊपर की ओर है और एक बार ब्लॉक जो है वो नीचे की ओर है, इसे बार बार जो है दोहराया गया है। फिर ये क्या कहती है? फिर से ये कहती है पर मेरे भाई के कुर्ते में या पहले ऊपर की ओर है, फिर हर बार एक चौथाई घूम जाता है। वह नियम यह है ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। मतलब कैसे घूम रहा है? एक चौथाई कैसे घूम रहा है? इसमें ब्लॉक पहले ऊपर था, फिर एक चौथाई घूम के इधर हुआ, फिर एक चौथाई घूम के इधर हुआ, फिर एक चौथाई घूम के इधर हुआ, फिर इसी चीज़ को बार बार दोहराया गया है, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ पैटर्न बना हुआ है। अब कहते हैं अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो। अब ये कह रहे हैं इन दोनों नियमों का जो हम उपयोग करके हम कोई नया पैटर्न भी बना सकते हैं। तुम पैटर्न के लिए अपना भी नियम बनाओ, ठीक है। मतलब हम अपना भी कोई नियम बना सकते हैं पैटर्न का। अब ये यहाँ पे कहते हैं कृपया 107 और 108 गणित का जादू, 107 पृष्ठ 107 और कक्षा 8 08 गणित का जादू पुस्तक 4, यहाँ ब्लॉक का 3 अलग अलग तरीक़ों से उपयोग किया गया है, और पृष्ठ 145 गणित का जादू पुस्तक 3, जहाँ एक भी ब्लॉक को क्रम से दोहराया गया है, ब्लॉक के घड़ी के अनुसार घूमने पर चर्चा करें। तो ये कह रहे हैं घड़ी का जो है उसके अनुसार चर्चा करो। तो भाई हमारी ये घड़ी होती है, ये हमारी घड़ी है, यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। इस तरीके से हमारी घड़ी होती है, और ये हमारी जो मान लो छोटी सुई है और ये हमारी बड़ी सुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 12:15 बज रहे हैं, ठीक है। ये जो घड़ी वाला जो टाइम है मैंने बहुत अच्छे से बताया है, टिक 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 एक आपका चैप्टर है उसमें मैंने बताया है। और जो हमारी घड़ी है कुछ इस दिशा में इस तरीके से घूमती है ना सुई हमारी, ठीक है। इधर पहुंची, फिर इधर पहुंची, फिर इधर पहुंची, मतलब इस तरीके से रोटेट हो रही है हमारी घड़ी, इस तरीके से घूम रही है हमारी घड़ी। तो यही हमारा घड़ी की दिशा में घूमना कहता है। अगर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना इस तरीके से कहते हैं, जैसे कि उल्टा घूमना, तो इसे घड़ी की दिशा में उल्टा घूमना कहते हैं। और घुमाव पैटर्न ये क्या है? इस ब्लॉक को देखो, ये जो ब्लॉक दिया गया कह रहे हैं इसको देखो, इससे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न को देखो, तो इन्हों घड़ी की दिशा में मतलब इधर घूम रहा है ये पैटर्न, इस ऐसे चल रहा है पैटर्न, ठीक है। तो पहला नियम इन्होंने क्या दिया है? पहला नियम जो है वो उन्होंने दिया है एक चौथाई घुमाकर इसे दोहराओ। तो इस बार इन्होंने पैटर्न को कैसे घुमाया? ये फूल हमारा जो ऊपर को था, फिर इन्होंने एक चौथाई घुमाया इधर को, फिर एक चौथाई घुमाया इधर को, फिर एक चौथाई घुमाया इधर को, फिर इधर, ये बार बार दोहरा रहे हैं। मतलब हमारा जो पैटर्न है
पहले ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, मतलब क्लॉक वाइज जो है मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अभी इन्होंने आधा घुमा कर देखा है, पहले हमारा इधर था फूल, फिर आधा आधा क्लॉक वाइज घुमाया, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर कर दिया, फिर नीचे कर दिया, ये इस तरीके से इन्होंने दिखाया है। अगली बार इन्होंने तीन चौथाई, मतलब तीन चौथाई घुमाया, कैसे, पहले हमारा ऊपर था, ठीक है, हमारा जो ब्लॉक था वो पहले कहाँ था, पहले हमारा ऊपर था, फिर तीन चौथाई मतलब इधर का, इधर का, इधर का, तीन चौथाई घुमाकर हमारा जो ब्लॉक था वो कहाँ आ गया, सॉरी, इधर, पहला हमारा ऊपर था, तीन चौथाई घुमाया इधर 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 घुमा के तो हमारा ब्लॉक जो है, फूल जो है वो इधर आ गया, फिर हमने तीन चौथाई घुमाया मतलब इधर 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 तो हमारा कहाँ पे पहुँचा, इस साइड पहुँचा, मतलब हमारा फूल जो था इधर आ गया, फिर हमने तीन चौथाई घुमाया मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो हमारा फूल किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, अब हमारा फूल इधर है, फिर हम इधर घुमाएंगे एक दो तीन, मतलब हमारा फूल किधर होगा, इधर होगा, तो इस तरीके से हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे घूम रहा है। अब हमारा अभ्यास का समय है, अब अभ्यास के समय में क्या दिया है, आगे क्या आना चाहिए, जैसे कि इन्होंने एक सर्कल दे दिया है, बीच में क्रॉस कर दिया है, ठीक है, बीच में इसको कट कर दिया है, अब दो बिंदियाँ लगा दी हैं, अगली बार इन्होंने इसी को ही, ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं, आन लो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो पहले इस दिशा में था तो इन्होंने एक चौथाई इसको घुमाया, ठीक है, एक चौथाई से भी कम जो है उन्होंने घुमाया है, कैसे घुमाया है, इसको चार भाग कर दो, फिर ये हमारा इस लाइन पे पहुंच गया, ठीक है, तो सीधा हो गया, फिर अब अगली बार हमारा कहाँ कैसे जाएगा, फिर हल्का सा घूमेगा, ठीक है, ये हमारी लाइन इस तरीके की हो गई, फिर इसके हम चार भाग करते हैं तो इस बार हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो मतलब हमने इस तरीके का, हमने ये यहाँ पे सीधे में आएगा, और पहले बिंदियाँ हमारी सीधी थी, फिर तिरछी हुई, इसी के अनुसार ही अब हमारी बिंदियाँ जो हैं वो यहाँ पे आएंगी। अगली बार इसके अगर हम करते हैं तो हमारा जो इधर आएगा, अगली बार में हमारा ये इधर आ गया और बिंदियाँ हमारी इस तरीके से कुछ आ जाएंगी, ठीक है। अब वन है, इसमें क्या है, पहले वन ऐसे था, ठीक है, फिर इन्होंने क्या कर दिया है, एक चौथाई घुमा दिया है, ठीक है, फिर इसको इन्होंने फिर सीधा कैसे हो गया, फिर एक चौथाई घुमा दिया इन्होंने, ठीक है, कहाँ गया, तो इसको एक चौथाई नहीं घुमाया है, इसको पहले ये ऐसा था, इसको आधा घुमा दिया, ठीक है, ऐसे हो गया, फिर इसको आधा घुमाया, फिर ऐसे हो गया, फिर इसको आधा घुमाया तो ऐसे हो जाएगा, फिर इसको आधा घुमाएंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से इसमें ये पैटर्न चल रहा आधा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों को इसके अन्य विकल्प सोचने के लिए प्रेरित करें और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने के उत्तर भी माने और चर्चा करें। तो ये कौन सी दिशा में घूम रहा है, पहले ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है, फिर ऐसे हुआ, तो ये हमारा क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इन्होंने ट्रायंगल तो सारे दिए ही हैं, सेम सेम, तो ट्रायंगल तो हमारा बनेगा ही, ठीक है, ट्रायंगल तो हमारा बनेगा ही। इन्होंने चार बिंदियाँ ऊपर दे दी, एक बिंदी इधर दे दी, अगले बार में क्या किया, ये चार जो बिंदियाँ थी इधर आ गई, तो चार बिंदियाँ इधर आ गई, और ये जो बिंदी थी वो कहाँ चली गई, यहाँ पे चली गई, ठीक है, मतलब ये बिंदी यहाँ चली गई, ये बिंदी इधर चली गई, मतलब क्लॉक वाइज घूम रही है। अगली बार क्या हुआ, ये बिंदी यहाँ पे आ गई और ये बिंदी, ये वाली बिंदी इधर चली गई, ठीक है, चली गई ना, तभी तो यहाँ पे आ गई, ये वाली बिंदी यहाँ पे आ गई। अगली बार ये बिंदी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, मतलब यहाँ पे आ गई। अगली बार ये बिंदी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। और इन बिंदियों की बात करते हैं, ये बिंदियाँ हमारी यहाँ पे चली जाएंगी, मतलब चार बिंदी जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगली बार ये बिंदी कहाँ चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी, मतलब ये बिंदी, चार बिंदी इधर हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो ब्लॉक है हमारे वो बन जाएंगे। अब अगला जो है ये है, सर्कल तो सब में ही बना है, तो सर्कल हम सब में बना ही देते हैं, ठीक है। फिर ये जो हमारा चौकोर है, पहले यहाँ पे था, फिर क्लॉक वाइज घूमा इधर पहुँच गया, फिर क्लॉक वाइज घूमा इधर पहुँच गया, फिर क्लॉक वाइज घूमा इधर पहुँचेगा, मतलब ये जो स्क्वायर जो बना है,
ठीक है, वो हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगली बार स्क्वायर ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे नीचे की साइड पहुँचेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जो कलर दिए गए हैं, ठीक है, तो यही हमारा इधर घूम गया ना, फिर ऊपर हो गया कलर, फिर यही हमारा यही हमारा घूम रहा है ना, तो ये वाला कलर जो है वो कहाँ जाएगा हमारा, ये वाला कलर जो है इस तरीके से। मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ, तो ये वाला जो कलर है, ये जो कलर है वो नीचे हो जाएगा, रेड वाला कलर नीचे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगली बार में रेड कलर कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से इस पार्ट में हो जाएगा, ठीक है, आधे इस पार्ट में ये रेड कलर हो जाएगा, इस तरीके से ये जो है हमारा वो बन जाएगा। अब इन्होंने ये पैटर्न दिया है, इसमें क्या करना है, पहले ये ऐसे था, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर अगली बार कैसे होगा, मतलब पहले ऐसे था, फिर हल्का एक चौथाई तिरछा किया, फिर आधा हो गया वो, फिर एक चौथाई तिरछा हुआ, फिर इस बार कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से उल्टे की साइड, इस तरीके से ये हमारा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसका अगले स्टेप ये होगा हमारा, हल्का सा तिरछा होगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चलेगा। अब ये कह रहे हैं तो इसमें से कौन सा हमारा सही निकलेगा, इन्होंने 45 अंश का घुमाव हर बार हुआ है, मतलब एक चौथाई जो है वो घुमाव हो रहा है, ठीक है। 45 का मतलब क्या होता है, ये हमारा 45 अंश पे घुमाव हो रहा है, मतलब चौथाई से भी आधा है, ये हमारा चौथाई होता है ना, तो इसका आधा मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो घुमाव हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमारा ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर हमारा कैसे होगा, ऐसे होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे क्या है, आगे इन्होंने दिया है, इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ाते जाओ जब तक शुरू का चित्र फिर से ना आ जाए, मतलब पहले ऐसे था, ठीक है, फिर इन्होंने ऐसे किया, ठीक, अगली बार में हमारा ऐसे हो जाएगा, फिर अगली बार में ऐसे हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद कैसे होगा हमारा, फिर हल्का सा तिरछा होगा, फिर अगली बार में हमारा सीधा हो जाएगा, फिर उसके बाद हल्का तिरछा होगा, फिर उसका ज़्यादा तिरछा होगा, फिर हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारा ऐसे होने के बाद क्या होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चलेगा। फिर से समझा दें आपको, अगर ना समझ में आया हो तब चले ये सेम कलर ले लेते हैं, सेम कलर लेने के बाद हम हल्का मोटा भी कर लेते हैं इसका। हाँ ये सही है, ये पहले हमारा ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, ठीक है, फिर हमारा कैसे होगा, सीधा होगा, सीधा होने के बाद फिर हमारा ऐसे होगा, ठीक है, तीन स्टेप के बाद सीधे में जा रहा है, फिर और ज़्यादा तिरछा होगा, ठीक है, फिर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, फिर हमारा हल्का तिरछा होगा, फिर काफ़ी ज़्यादा तिरछा होगा, फिर हमारा ये सीधा हो जाएगा, फिर हमारा ऐसे होगा, फिर उसके बाद हमारा कैसे होगा, उसके बाद हमारा कैसे होगा, और तिरछा होगा, फिर उसके बाद बिल्कुल सीधा हो जाएगा, फिर सीधे के बाद हमारी ये स्टेप आएगी, ये वाली स्टेप आएगी, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन है, तीन को कैसे करेंगे, तीन भी देख लो, तीन हमारा पहले ये सीधा था इस तरीके से, ठीक है, फिर हमारा इन्होंने एक 30 डिग्री पे इन्होंने सीधा किया है, ठीक है, फिर इस बार हमारा जो तीन है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारा तीन जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, फिर हमारा तीन इस तरीके से हो जाएगा, फिर जो हमारा है तीन वो इस तरीके से हो जाएगा, फिर हमारा तीन इस तरीके से हो जाएगा, फिर हमारा तीन इस तरीके से हो जाएगा, फिर हमारा तीन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है, सीधा होने के बाद हमारा जो तीन है कैसा होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है, फिर हमारा इस तरीके से होगा, फिर हमारा उसके बाद जो स्टेप आएगी उसमें जो तीन है हमारा वो सीधा हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आप ऐसे ही किया जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्या है हमारा वो भी देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं,
लाल रेखा के बाईं ओर, ठीक है, मतलब इस साइड में हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसके दाहिनी ओर चुनो, मतलब इसके आगे क्या आएगा इनमें इस ऑप्शन में से चुनना है। तो पहले क्या है हमारा सीधा था, फिर इस तिरछा हुआ, फिर सीधा हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पहले सीधा था फिर तिरछा हुआ फिर सीधा हुआ, तो अगली बार हमारा ऐसे होगा, मतलब ये वाला पैटर्न जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऑरेंज सारे शेप तो हमारे सेम ही है, तो शेप का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कलर से हमको चेंज चूज करना है। ऑरेंज जो कलर था हमारा इधर गया, ठीक है, इधर जाने के बाद वो फिर इधर गया, इधर जाने के बाद हम ऑरेंज कलर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, मतलब ऑरेंज कलर जो इधर है वो ये वाला हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वो एक ही कलर ले लो, एक ही कलर से हमको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे जो है पहले हमारा इस तरीके से था, ठीक है, फिर हमारा इस तरीके से हुआ, दूसरे तरीके से बताते हैं। एक डंडी थी पहले इधर ऐसे ऐसे था, फिर हमने एक डंडी हमारी सीधी हुई फिर खड़ी हुई, फिर इस बार डंडी जो है वो हमारी सीधी लेटी हुई होगी, मतलब दोनों तो लेटी हुई डंडी तो है ही, पर इस बार पहले डंडी हमारी ऐसी थी फिर वो लेट गई, फिर वो लेटने के बाद क्या हुआ, फिर खड़ी हुई, खड़ी होने के बाद क्या करेगी वो डंडी हमारी, लेटेगी। ठीक है, पहले हमारी लेटी थी फिर खड़ी हुई फिर लेट गई फिर हमारी खड़ी हुई, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ना भी समझ में आ रहा होगा अगर आपको एक बार, तो फिर से बैक करके देख लेना, आपको सब कुछ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आकृति दी है, ठीक है, इस तरीके की कुछ दी है, फिर यही आकृति हमारी लेट गई, ठीक है, फिर हमारी आकृति खड़ी हो गई, फिर हमारी आकृति लेट गई, फिर हमारी आकृति जो है वो खड़ी आनी चाहिए, दोनों खड़ी तो हैं पर हमें देखना क्या है, पहले ये जो था वो ऊपर था, ये ऊपर होने, ये फिर हमारा ये उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में चला, मतलब इधर हो गया, फिर घड़ी की ये उल्टी दिशा में चला, कहाँ चला, घड़ी की उल्टी दिशा में चला, मतलब वो नीचे हो गया, फिर ये घड़ी की उल्टी दिशा में चला मतलब कि इधर पहुंच गया, फिर वो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा मतलब कि खड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है पैटर्न को ढूंढो, किसको ढूंढना है, पैटर्न को ढूंढो, आइए देखते हैं पैटर्न ढूंढने में क्या है। तो अब यहाँ से चलते हैं, अब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैटर्न को ढूंढो, तो पैटर्न हमको ढूंढना है। अब ये कह क्या रहे हैं ये भी देख लेते हैं, ये कह रहे हैं उस तस्वीर पर निशान लगाओ, उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है उसे ढीक भी करो, मतलब इसमें क्या है, पहले ऊपर हुआ ये फिर नीचे हुआ, गोल गोल बिंदी की बात कर रहे हैं, फिर ऊपर हुआ फिर नीचे हुआ फिर ऊपर हुआ फिर नीचे होना चाहिए था ना ये, पर नीचे नहीं है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है इस वाले में, फिर ऊपर हुआ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, इधर तीन है फिर ये इधर तीन हुए, इधर तीन है इधर तीन हुए, इधर तीन है इधर तीन होना चाहिए पर इसमें ये नहीं है, मतलब ये जो गड़बड़ वाला है उस, ठीक है, जो नियम के अनुसार नहीं है वो ये वाला है। ठीक है, क्यों ये वाला है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे होना चाहिए पहली बात तो गोला, ये जो तीन है ये इधर इस तरीके से निकले होने चाहिए, इस तरीके से, किस तरीके से, ये इस तरीके से इधर निकले होने चाहिए। ठीक है, और इधर ये पीला वाला हिस्सा होना चाहिए, मतलब इसमें गड़बड़ है। अब छाते की बात करते हैं, छाता हमारा इधर हुआ फिर इधर हुआ फिर हमारा इधर हुआ फिर हमारा इधर हुआ फिर हमारा इधर हुआ फिर इधर होने के बाद, मतलब पहले इधर हुआ फिर ऊपर हुआ फिर इधर हुआ फिर इधर हुआ फिर इधर हुआ फिर ऊपर होना चाहिए हमारा छाता जो है,
वो ऊपर होना चाहिए। किधर होना चाहिए हमारा छाता? ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद ये इस तरीके से, ये वाला तो सही है, मतलब इसमें जो है वो गड़बड़ है, ये वाला भी गलत है। आगे चलते हैं तो आगे में क्या है, इन पंछियों में देखते क्या गड़बड़ है। ये पंछियों में पहले ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, फिर ये तीन नीचे होने चाहिए। तीन अगर ऊपर हैं तो तीन नीचे होने चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो सही है, मतलब ये नीचे नहीं है तो मतलब ये गड़बड़ है, ये नियम का फॉलो नहीं करता है। अब इसमें देखते हैं, पहले ये रोम्बस दिया गया, ठीक है, रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज, फिर ट्रायंगल दिया, फिर रोम्बस दिया, फिर ट्रायंगल दिया, फिर रोम्बस दिया, फिर ट्रायंगल दिया, फिर रोम्बस दिया, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन अब क्या देखते हैं, अंदर इसमें ट्रायंगल है फिर गोला है, इसमें रोम्बस है फिर गोला है, इसमें ट्रायंगल है रोम्बस है, ट्रायंगल है फिर गोला है, ट्रायंगल है गोला है, इसमें रोम्बस है गोला है, और इसमें क्या है, गोले में रोम्बस है, और इसमें रोम्बस के बाद गोला है। मतलब ये वाला और ये वाला तो सेम है पर ये वाला अलग है, तो मतलब इसमें गड़बड़ी है कुछ, ठीक है। अब आगे क्या है, जादुई वर्ग। जादुई वर्ग में क्या है, याद है हमने जादुई त्रिकोण बनाए थे, आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाएं। तो इसमें क्या है, जब हमने जादुई त्रिकोण बनाए थे, अब हमको क्या करना है, जादुई वर्ग बनाने हैं। इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। 46 ये जो वर्ग है इसको 46 से 54 तक की संख्याओं से भरने हैं, और हर पंक्ति का जोड़ कितना आना है, हर पंक्ति का जोड़ 150 आना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद होगा, जो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, शायद आपकी पिछली जो क्लास थी उसमें शायद हमने पढ़ा था, तो उसमें ट्रायंगल में जादुई वर्ग था, उसमें हमें इक्वल करने होते थे, जैसे कि आपको याद होगा, अगर जैसे कि एक ट्रायंगल बनाता है, इसमें कहते हैं इस तरीके से भरो, कोई भी संख्या डबल नहीं भर सकते हैं, और इस तरफ का योग इतना हो, इसका योग इतना हो, इधर का योग इतना हो, इस तरीके से वो था। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना है ये देखते हैं। तो हमें 46 से 54 तक की संख्याओं को भरना है, ठीक है, और हर पंक्ति का जोड़ कितना हो, 150 हो, मतलब इधर से भरें तो इसका तीनों का योग कितना हो, 150 हो, इधर का योग भी 150 हो, ठीक है, इधर का योग भी 150 हो, ठीक है, और इधर का योग करें तो भी 150 आए, 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 मतलब हर साइड से योग जो है वो हमारा 150 आना चाहिए। तो ये हमारा है स्क्वायर। इसमें क्या पकड़ना पड़ेगा, 46 है, 49 है, 47 है और 52 है। तो हमें भरना क्या होगा, हमें भरना क्या होगा देखते हैं, हमको 46 से 54 तक की भरना है, ठीक है, 54 मतलब 54, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 53 भर दें, ठीक है, तो 49 और 53 जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम 150 से घटा के देखते हैं, ठीक है, जो हमारा आएगा वो हमारा बीच में हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 53 आएगा तो यहाँ पे 48 आएगा, तो चाहे तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 8 और 3 कितना होता है 11, और 11 और 9 कितना होता है 11, और 9 कितना होता है 20, ठीक है, तो 20 मतलब 20 होता है, दो जो है हमारा हासिल में चला जाएगा, ठीक है, दो को अलग लिख लेते हैं। 5 और 4 9, और 9 और 4 13, 13 में ये दो जोड़ दें कितने हो जाएंगे 15, हो गया ना इधर का टोटल 150। ऐसे ही हम इधर का करते हैं, ये दो लाइन तो हमारी हो गई हैं, ठीक है। अब 46 है, 53 और 46 जोड़ के हम 150 में से घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 51 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 51 आएगा। अब चाहे तो इसका आप इसको जोड़ के देख सकते हैं हमारा कितना आना चाहिए, इसका हमारा 150 आना चाहिए। 3 और 6 9, 9 1 10, 10 हुआ, 10 का 1 जो है हमारा हासिल हो जाएगा। 5 4 9, 9 5, 9 5 14, 14 में ये एक जोड़ दिया कितना हो गया 15, तो इधर से भी हमारा 150 आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इधर से भी हमारा 150 ही आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हम अगर 50 कर दें और यहाँ पे 54 कर दें, ठीक है, तो हमारा ये जो टोटल है हर तरफ से
150 ही आएगा, इधर से भी 150 आएगा, इधर से भी 150 आएगा, इधर से भी 150 आएगा, हर साइड से हमारा जो योग है वो 150 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा है इस वर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं में भरना है। इसमें जो भरना है हमको 21 से 29 तक भरना है, और पंक्ति का जोड़ क्या आना चाहिए, 75 आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। तो आइए हम इसको भरते हैं। पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। तो 25 तो हमारा बीच में दिया ही हुआ है, अगर हम यहाँ पे 24 कर लें, ठीक है, 25 और 24 कितना हुआ, 59 हुआ। 59 में अगर 26 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 75। ऐसे ही 25 में अगर हम 28 जोड़ दें, ठीक है, और 25 और 28 कितना हुआ, 53। ठीक है, 53 में अगर 22 जोड़ दें तो हमारा 75 हो जाएगा। ऐसे ही 24 और 22 हमारा कितना हुआ, 24 और 22 हमारा 46 हुआ। 46 में अगर 29 जोड़ दें तो हमारा 75 हो जाएगा। ऐसे ही 28 और 26 हमारा कितना हुआ, 28 और 26 जो है वो हमारा हुआ है 54। कितना हुआ, 54 हुआ है। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है ना सब आपको, 54 हुआ है। और तो हमें कितना भरना पड़ेगा यहाँ पे, बता सकता है कोई, तो हमें यहाँ पे 21 भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा 23 छूट गया है वो भर दो, और हमारा 22 छूट गया है वो भर दो। तो आप चाहें तो अपना ऐड करके देख सकते हैं, 24 25 26 का योग, 22 25 28 का योग, 29 25 21 का योग, 23 25 और 22 का योग, सबका योग जो है, सबका जो टोटल है हमारा कितना आएगा, सबका टोटल हमारा जो है वो 75 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब इन्होंने लिखा है इस तरह के जादुई पैटर्न के लिए तुम गणित की पुस्तक 4 के पृष्ठ 11 को देखो। मतलब इस तरह का जादू का खेल जो है, आपकी जो गणित की जादू पुस्तक हो और कक्षा 4 की जो पुस्तक है उसका पृष्ठ नंबर 11 देखना पड़ेगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया है उसमें भी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब जादुई षटकोण क्या है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, और जादुई षटकोण ये क्या है देखते हैं भाई। जादुई षटकोण यहाँ पे लिखा है अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो, हर भुजा पर दो गोले और एक चौकोर खाना है। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो हमारा षटकोण, षटकोण क्या होता है, जिसमें कितनी लाइनें हों, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 लाइनें होती हैं वो हमारा क्या होता है, षटकोण होता है। तो इसमें 6 लाइनें हैं इसलिए इसको क्या कहा गया है, षटकोण कहा गया है। तो इन्होंने कहा है हर षटकोण पे क्या है, दो गोले एक चौकोर हैं, हर षटकोण पे दो गोले और चौकोर हैं, हर षटकोण पे मतलब हर भुजा पे दो गोले और एक चौकोर है। फिर ये क्या कहती हैं, तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करने से आएगी। तो क्या कह रहे हैं, हमने गुणा करने पे जो संख्या आएगी वही बता रहे हैं ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, इन्होंने अब क्या बताया है देखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी इनकी गुणा करेंगे तो स्क्वायर में जो है वो आएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया था, 10 7 70 आया, 14 14 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। 13 2 26, ठीक है, 14 7 यहाँ पे 98 होना चाहिए, 98 आएगा, मिस प्रिंट हो गया है। 14 7 98, 14 5 70, 13 5 65, 13 2 26 और 2 2 20, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, तो क्या क्या मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए 98 और यहाँ पे होना चाहिए 2। ठीक है, इस तरीके से इतना ये जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, कैसे आया है ये, आइए इन्होंने भी करके दिखाया है, 13 5 65 और किसके किसके 70 70 है, तो 10 7 70 इन्होंने दिया है, 10 7 70 आया है। ठीक है, इस तरीके से ये जो नियम है हमारा वो काम करता है। अब कह रहे हैं कि नीचे दिए गए षटकोण को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करना है। ठीक है, तो नियम आपको समझ में आ गया होगा, आइए इसको भरते हैं। तो ये जो हमारे हैं इसको भरते हैं, 11 छंगा
66 और 11 नियमा 99 और किसके नियमा 108 होता है, 12 नियमा 108 होता है ना, 12 नियमा 108 और 12 सते कितना होता है जल्दी से कमेंट करो, 84 और 17 सते 119, 17 सते 119 और 17 छक्का कितना होता है 102, 17 छक्का 102। तो ये हमारा आ जाएगा। ऐसे ही हमें इस वाले में भी यही नियम लगाना है, 8 8 64 और 14 की किससे गुणा करें कि 64 आए, बता सकता है कोई 14 की किससे गुणा करें कि ये हमारा आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी से कमेंट करो। 16 चक्कू 64, ठीक है, 16 8 कितना होता है 128। और अब हम यहाँ पे भरते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, किसके 8 108 होता है 13, 104 होना चाहिए, ठीक है, 108 नहीं, किसी के 8 108 नहीं होता है, 104 होता है, तो 13 8 104 होता है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, 104 होना चाहिए, 13 8 104। ऐसे ही किसके 13 के पहाड़े में कितनी बार में 78 रहता है, 13 6 78, ठीक है, 13 6 78। ऐसे ही 6 चक्कू 24, इस तरीके से ये जो हमारा है वो पूरा भर जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ लिखा है तुम अपना जादुई शूट कोड भी बना सकते हो और ये अपना खुद खेल सकते हो, नियम बना सकते हो, इस पर चर्चा करो कि शट कोड 6 भुजाओं की एक बंद आकृति है और मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो जाने से पहले क्या करना है आपको, आपको अच्छे से पता है हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू। तो अब हम आपको हमारी गुरु दक्षिणा कैसे दोगे, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर कहाँ करना है, किस पर करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पर भी आप शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को, किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपको बता दें इस टाइम हमारे चैनल पर एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें क्या करना है, सितंबर के इस महीने तक आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 15 ग्रुप्स में, एक दिन में कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उनको ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए जाएंगे। अगर आप ये गिफ्ट फ्री में पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दूसरी बात, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ जो हैं वो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाएँगे, चैनल में एक प्लेलिस्ट नाम का ऑप्शन होता है, उसमें जाएँगे तो वहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट की, आपके क्लास के सब्जेक्ट की सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे हमारे 3 और चैनल मिलेंगे, पहला है जॉर्जस किड्स मस्ती, दूसरा है जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जॉर्जस क्राफ्ट। इन सबको भी सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। इन चैनल्स में क्या है देख लीजिए, जो हमारा पहला चैनल है जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी, उसमें क्या है कि आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी अपने हाथों से बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, मैंने सब सिखाया है इसमें। और हमारा दूसरा चैनल है बच्चों का चैनल है, बच्चों को दिखा सकते हो, उनको क्रिएटिव बना सकते हो। तीसरा जो चैनल है वो भी आपके लिए ही है, जिसमें आप घर की पुरानी बेकार चीज़ों जैसे कि शादी के कार्ड्स हुए, टिश्यू पेपर हुए, उनसे आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जो चीज़ें हैं वो बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमारे सारे चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।